कक्षा 10वीं वाले सभी दोस्त जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। पेपर सोशल साइंस का है, इंग्लिश और हिंदी वर्जन, ठीक है, दोनों ही वर्जन के स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले, दोनों ही स्टूडेंट्स इस पेपर को देख लीजिए क्योंकि ये पेपर आपको देखने को मिलने वाला है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका 9 तारीख को, मतलब अभी से कुछ समय बाद, मतलब 1 बजे आपका पेपर रहेगा। तो उसके लिए जल्दी से, अभी आपके पास समय है और समय बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा समय है, आप आसानी से इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं, एक प्रश्न को और याद कर सकते हैं। मैंने बहुत जल्दी से वीडियो बनाया है क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी 10वीं वाले जुड़ रहे हैं, जल्दी से एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, देर मत करिए बिल्कुल भी, और एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और तो कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूल जाइएगा क्योंकि पूरा का पूरा टेलीग्राम पर जो पेपर डाले जा रहे हैं 100% आपके वो पेपर आ रहे हैं। अब ज़्यादा इससे नहीं बता पाऊँगा, जिसको जुड़ना है जुड़ जाना। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, भारत में सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग है तो इसमें होगा सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था आंदोलनकारियों का दमन करना। आंसर बहुत जल्दी बताऊंगा क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है पेपर में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, लोकतंत्र। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है चहुमुखी विकास। ये इंग्लिश मीडियम वाले अपने आंसर देख लेना, ठीक है, सेम टू सेम यही आंसर रहेंगे आपके। खालिस्तान देख लीजिए, खालिस्तान देखेंगे, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर जनपद पंचायत का गठन होता है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है और राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए निर्वाचन आयोग बनाया गया है और सांप्रदायिकता लोकतंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। लास्ट वाला क्वेश्चन, विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कहा जाता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर जोड़ी देख लीजिए, मुद्रण का माध्यम समाचार पत्र, गुलाम गिरी, ज्योतिबा फुले, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, कोरोमंडल तट, मछली पट्टनम, श्रीलंका की राजभाषा सिंगली, महिला साक्षरता दर 54%। इन क्वेश्चनों को बिना पढ़े मत चले जाइएगा, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है, रेगड़ या कपास काली मिट्टी को क्या कहते हैं, वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम प्रमुख रूप से कौन सा है, चिपको आंदोलन वानिकी। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई तो इसमें होगा इंग्लैंड। डॉक्टर शिक्षक नाई धोबी वकील आदि की सेवाएं तृतीय क्षेत्र में। भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, RBI। हॉलमार्क के द्वारा किसकी गुणवत्ता प्रमाणित किया जाता है, सोना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्यापत्य, यहाँ पर सब लिखे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, देख लीजिएगा, ये पूरे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को बिना पढ़े मत जाइएगा। मृदा प्रदान से क्या तात्पर्य है, देख लीजिए इन क्वेश्चनों को, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अगर आपको PDF चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, ये पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PDF प्राप्त कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी अपनी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, साथ ही आपके ज़िले का नाम क्या है, कौन से ज़िले से आप जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।